कि इंसाफ की किताब में एक पन्ना छिपा रह गया है। खुलकर जीने का हक है हर नर और नारी को, बस एक किन्नर दबा रह गया है। जीना पड़ता है इनको दुनिया का एक ताना सहकर, पुकारा जाता है इनको हिजला छक्का और किन्नर कहकर। क्या इनको खुलकर जीने का अधिकार नहीं होता? अपनों के होते हुए भी इनका परिवार नहीं होता। ये सबको दुआ देता है, किसी को बेवजह बद्दुआ नहीं देता। एक यही वो वर्ग है जहां जात पात ऊंच नीच और धर्म पर कोई विवाद नहीं होता। धन्यवाद। पता नहीं क्यों देते हैं कुछ लोग इन्हें गाली, क्या हुआ अगर ये लगाते हैं लिपस्टिक काजल बिंदिया और होठों पर लाली। क्या इनको किसी से प्यार नहीं होता? क्या इनके सीने में दिल नहीं होता? क्या इनके खून का रंग लाल नहीं होता? दोस्तों, क्या किन्नर इंसान नहीं होता? और भरी सभा में बैठने वालों, अपनी सोच पर थोड़ा जोर डालो। और भरी सभा में बैठने वालों, अपनी सोच पर थोड़ा जोर डालो। ये किन्नर नामर्द ज़रूर होता है, पर किसी मासूम का बलात्कारी नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर होता किन्नर रूप इतना ही कठोर और लज्जित युक्त, तो एक महारथी कुंती पुत्र अर्जुन एक वर्ष तक अज्ञातवास में किन्नर बनकर नहीं रहता। जब धर्म और अधर्म के युद्ध में अधर्म का पल्ला दिख रहा भारी था, भीष्म पिता के तीरों को न रोकने वाला कोई धनुर्धारी था, फिर धर्म की ओर से लड़ने वाला, भीष्म पिता के वध का कारण बनने वाला द्रौपदी का हवाई सिकंडी भी तो एक किन्नर अर्धनारी था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऊपर वाला किसी चीज का निर्माण फिजूल नहीं करता। ऊपर वाला किसी चीज का निर्माण फिजूल नहीं करता। इतना ही होता बुरा ये रूप, तो खुद अर्धनारीश्वरी अवतार का अवतार नहीं रखता। आधुनिक दुनिया के नई सोच वाले लोगों, आधुनिक दुनिया के नई सोच वाले लोगों, किन्नर होना कोई अभिशाप नहीं होता। एक वैसा प्राण बढ़ाएंगे भैया। एक कसूर नहीं था फिर भी दोषी ठहराया गया। एक कसूर नहीं था फिर भी दोषी ठहराया गया। एक इल्जाम झूठा मुझ पर लगाया गया, और भला कैसे लड़ता मैं अपने हक की लड़ाई आखिर। और भला कैसे लड़ता मैं अपने हक की लड़ाई आखिर। मेरा वकील भी उसी का आशिक पाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।